चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। उम्र जी इतनी हो गई नहीं कि 55-60 का। उनके जी बीमार थे, बस उनके पहले तो टीबी थी। उनके डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उनके फेफड़े ख़त्म हो गए थे। एक तो अभी कुबाने से कब आए थे आप? दंगा में। कब हुआ था दंगा? सन 2013 में। मेरे पापा के पहले टीबी थी और उन्होंने टीबी की दवाई खाई बुढ़ाने से, अस्पताल में से। जब उन्होंने खाई तो बीच में छूट गई थी दवाई। पैसे चाहिए फल वल खाने के लिए तो छूट गई थी। फिर उनके और बीमारी बन गई। उनको टीबी की बीमारी थी लगभग एक वर्ष से। तो लॉकडाउन से पहले तो उनकी दवाई अच्छे से चल रही थी, और जब से लॉकडाउन लगा देश में कोरोना की वजह से, तो तब से उनकी दवाई रुक गई। जब गाड़ी का साधन ना होना या फिर रिसोर्स की वजह से उनके पास, भाई जब काफ़ी दिनों से लॉकडाउन लग रहा, कोई अपने काम पे नहीं जा रहे, तो फिर उनके पास में आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, तो जिस वजह से उनकी दवाई रुक गई थी। क्या कहते थे तभी कभी? कुछ नहीं जी, नहीं कहते हैं मैं ठीक हो जाऊँ क्या नाम है, फिर काम कुम से देखेंगे अपना। हाँ बस यही दिमाग में रहती है उनके। वो क्या काम करते हैं? मैं तो जी चिनाई का कर रहे थे, राजमिस्त्री का काम। मालू जी 2-3 हज़ार रुपये। हाँ महीने में? दिन में? महीने में जी। महीने में 2-3 हज़ार रुपये। आप प्राइवेट में करा रहे थे सामने? हाँ जी। तो कितना कितना खर्चा आ जाता था उसमें? उनके साथ जा कर था 2-3 हज़ार रुपये एक एक बार की, अगर आप एक बार जा रहे हो। हाँ जी। टीबी दरअसल कई तरह की होती है। जो लंग्स की टीबी होती है ये इन्फेक्शियस होती है, एक से दूसरे को, अगर घर में एक को हो जाती है तो संभावना दूसरों के होने की भी रहती है। और इसमें खांसी, हल्का हल्का बुखार, मोस्टली जो शाम के समय बढ़ जाता है,
वजन गिर जाता है, भूख लगनी बंद हो जाती है, ये सब सिम्टम होते हैं। आदमी का चेहरा ही बोलने लगता है जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं कि ये टीबी वाला पेशेंट है। इसमें आराम जल्दी आ जाता है, लगभग एक महीने में, और ट्रीटमेंट इसका 6 से 8 महीने तक का है। लोग बाग उसको पूरा नहीं कर पाते, इसलिए वो बीच में छूट जाता है और बार बार होती है। दूसरी दिक्कत ये है कि जिन लोगों के इलाज कहीं बाहर चल रहे थे, दिल्ली चल रहे थे, वो दिल्ली नहीं जा पाए। जिन लोगों के शामली चल रहे थे, 1-1.5 महीने तक डॉक्टर्स नहीं बैठे तो वो इलाज जो है छूट ही गया उनका। अब कि उनकी मर्जी से नहीं, मजबूरी में छूट गया जब डॉक्टर ही नहीं बैठ रहे हैं। मेरा भी लिया कैमरा ले देगा, मुझे भी मेरा भी खा दिया फोटो। बुढ़ाने का पड़ता है, उसमें टीबी का इलाज है वहाँ? इलाज तो है लेकिन प्रॉपरली मतलब चेकअप मशीन वगैरह नहीं है उनके पास में। तो आप गए पहले कभी चेक करने? हाँ पहले मैं गया, हाँ पहले मैं गया था उनके साथ में। सिर्फ वे दवाई दे देते थे और कुछ नहीं, एक हफ्ते की वगैरह की दवाई दे देते थे। लेकिन लॉकडाउन में तो उन्हें दवाई, जब हॉस्पिटल ही वगैरह बंद थे सब चीज़। तो अगर लॉकडाउन ना लगता तो यामीन जी आज हमारे साथ में होते।